फिल्म का नाम है हेलो डार्लिंग, मुख्तार प्रोड्यूस कर रहे हैं और मनोज तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक फिल्म की लाइन है कि ये कहानी है तीन कन्याओं और एक कमीने की, और मैं वो कमीना। इसका जो अंडर करंट और टोन है फिल्म का कि ऑफिसेज में नॉर्मली बॉसेस जो होते हैं वो किस तरह से एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं जो लड़कियां काम करती हैं, उनको क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती है एंड द बॉसेस टेक द क्रेडिट एंड ऑफ कोर्स द सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर इसमें शामिल हैं, लेकिन एक एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ इसको डील किया गया है। इट इज़ फनी बट यू गेट द मैसेज। गुल इज़ अ गैजेट फ्रीक हरसेल्फ, तो उसके साथ मेरी काफ़ी टेक बातें होती हैं एंड सेलिना इज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड एंड ईशा जस्ट गॉट मैरिड, तो शी इज़ ऑल्सो ग्रेट फन। सो साथ में जो मिलते हैं इट्स गुड फन, आई एन्जॉय। हालांकि गर्ली टॉक इज़ नॉट वेरी गर्ली गर्ली टॉक, दिस थ्री गर्ल्स आर क्वाइट not the typical girly types. So taking the rights of an old song called Aa Jaane Ja, so it's a rip and they've put an original track mixed with it. So it's basically a seduction song where I've come here to have a good time with these three girls aur wo gana shuru karti hain, main bhi saath mein gana gaata hu. It's basically a okay, let's party. Maine inko is tarah se ek jaal mein phasaya, they're stuck and I'm kind of blackmailing them ki you all three have to spend time with me in outside the office. तो फिर खंडाला जाने की जगह हम अब इनके घर में आए हैं और ये तीन लड़कियाँ मुझे सीड्यूस कर रही हैं और वी हैविंग अ गुड टाइम। तो ये सीन है, अटकी हुई नहीं थी, भटकी हुई थी। तो जब उन्होंने बैठ के देखा फिल्म को, तो कुछ डेटों के भी प्रॉब्लम थे, कुछ ये था कि क्रिएटिवली देयर वर समथिंग जो लगा था कि नहीं यार ये थोड़ा टाइट होना चाहिए, थोड़ा वीक हो रहा है यहाँ पे, तो इन चीज़ों में थोड़ा वक्त लग गया। बट अदरवाइज देयर इज नो अटकी, वी आर मूविंग ऑन, रेडी फॉर रिलीज नाउ।